फिर रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। हम कह रहे हैं ना, सवाल ये है कि एक फंक्शन हमने दिया आपके सामने, दो परिभाषा है, एक्स पॉजिटिव के लिए, एक्स नेगेटिव के लिए, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब एफ जीरो टू मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, टू मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फटाफट करिए, फटाफट करिए। देखिए आप लोग की घड़ी में डाउनलोड किया हूँ, घड़ी चल रही है आपकी, ऐसे ही मैं सोच रहा था। अभी तो एक स्टॉप वॉच यहाँ लगवा दूंगा अगली बार से। चलिए समय समाप्त होता है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। किसी का हुआ क्या? हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटे के लिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा नीचे वाला, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस फंक्शन हो जाएगा ई के पावर, बहुत सिंपल सवाल है, साइन फोर एक्स माइनस वन अपॉन लॉग में 1 प्लस टेन टू एक्स। तो एक काम करेंगे हम, लिमिट ऑफ एक्स टेन टू जीरो माइनस, हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है ना, हम लोग को प्रॉपर्टी मालूम है ना, e के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है लिमिट ऑफ एक्स टेन टू जीरो पे, और लिमिट ऑफ एक्स टेन टू जीरो पे लॉग में वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स, ये भी आपका वन होता है, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स कुछ भी है तो जो ऊपर है वही नीचे डिवाइड कर देंगे बैलेंस करने के लिए, ई के पावर साइन फोर एक्स माइनस वन अपॉन साइन फोर एक्स कर देंगे सर, तो गड़बड़ा जाएगा, हम करें मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, दिक्कत क्या है, साइन फोर एक्स और अपॉन ऐसे लॉग वन प्लस टेन टू एक्स है, तो टेन टू एक्स से डिवाइड करके टेन टू एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है भैया, तो बड़ा सिंपल सा है, तो यह क्या जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो माइनस, अच्छा ये टेन टू एक्स है, इसको जरा ओपन करो तो क्या आएगा आपका, देखो ये तो वन हो गया एक्स टेंड टू जीरो पे, ये क्या हो गया आपका, ये वन हो गया, ये समान आपका वन हो गया, और ये भी समान क्या हुआ आपका वन हो गया, तो क्या आएगा आपका, ये तो वन वन हो गया, क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका साइन फोर एक्स और अपॉन टेन टू एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये पड़ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो माइनस, अच्छा साइन फोर एक्स को ले देंगे टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, साइन टू थीटा टू साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स वाला फॉर्मूला ये हम लगा देंगे भैया। ठीक है, टू साइन टू एक्स
cos 2x ये लगा देंगे, और tan 2x क्या बन जाएगा आपका, sin 2x अपॉन cos 2x रूम 2 बचा जाएगा, तो sin 2x sin 2x कट जाएगा। अब जब जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये 0 1, ये 0 1, तो 2 आ जाएगा। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चा, राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं, सवाल मिटा दे रहे हैं, राइट हैंड लिमिट कर रहे हैं। सवाल नहीं, LHL मिटा दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मिटा दे रहे हैं, क्योंकि सवाल दिखेगा नहीं ना फिर। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, क्या आएगा आपका, जीरो पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा, जीरो से बड़े के लिए लॉग कॉस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा भैया, ठीक है। तो काम करो, यहाँ पे लगा लो एल हॉस्पिटल लगा लो ना, क्यों एल हॉस्पिटल लगा लो, एल हॉस्पिटल लगा लो, 0/0 बन रहा है। जब आप एल हॉस्पिटल लगा लोगे तो क्या होगा आपका, तो हम कह रहे हैं कि बेटा एल हॉस्पिटल लगा लो, जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लॉग में कुछ भी, तो लॉग में कुछ भी का 1/1 में कुछ भी, और डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ भी का पावर एन, तो क्या देगा एन और कुछ भी के पावर एन माइनस वन, तो 1/4 में जब 1 घटाएंगे तो -3/4 आएगा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है 2x हो जाएगा, इतना हो गया भैया। हाँ अच्छा, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस टेन एक्स बन जाएगा, इस x को इसके साथ भेज दो अपॉन x हो गया, अपॉन ये क्या है आपका 1/4, 4 तो घूम के चला जाएगा ऊपर, तो 4 चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ये वाला 4 मिटा दे रहा हूँ, ये वाला 4 चला जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा और आपका नीचे बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/4, ये आ जाएगा भैया, ठीक है अच्छा। तो अब रख दो क्या, रख दो गंदा लिखा पता, अच्छे से लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/4 आ जाएगा, ठीक है बच्चा अच्छा। तो अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और लिमिट एक्स टेंड टू 0 बच्चा ये तो 1 हो जाएगा, -1 × 2 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 0 जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहे 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 ही रहेगा, अपॉन में 2 छूट गया क्या, अपॉन में 2 छूट गया तो 4/2 हो जाएगा, आंसर -2 आएगा। तो सर हमने क्या पाया यार, हमने तो ये पाया कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है और राइट हैंड लिमिट -2 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट तो किया लेकिन बराबर ही नहीं हुआ, x इक्वल टू 0 पे आप कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वापस बराबर नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब इस फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूस बना ही नहीं सकते हो, दिस इज नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ऐसे केस हम क्या कहेंगे कि f0 की वैल्यू हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं ऐसे, मतलब नो सच f0 कैन एग्जिस्ट टू मेक दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूस बिकॉज शांभवी पांडे, वेरी गुड इवनिंग बेटा, ऐसा कोई भी आप डायरेक्ट लिखो, सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हेंस दिस फंक्शन इज नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है एफ जीरो यहां से नहीं निकलेगा, एफ जीरो नहीं निकलेगा, एफ जीरो नहीं निकलेगा भैया। चलिए फटाफट छापिए, फटाफट छापिए, हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं,
पिछले क्लास में हम लोग बोर्ड लेवल क्वेश्चन लगाए थे, आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा रहे हैं। हाँ सिंपल सिंपल बढ़िया बढ़िया। श्याम भवी आई थिंक इट्स न्यू स्टूडेंट क्या? श्याम भवी बेटा आज पहली क्लास है आपकी? यस सर। अच्छा 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 किस स्कूल से बच्चा? यस सर केंद्रीय विद्यालय। अच्छा केवी, तो शिवांगी के साथ हो क्या? यस सर। अच्छा चलो बढ़िया है, तो विलंब होगा लेकिन टेंशन की बात नहीं है, पुराने लेक्चर्स मेरे देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बाकी हम हैं आपके साथ। ठीक है ठीक है चलो ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आज। क्लास 10th 11th का लिमिट 65 यहाँ पे यूज हो रहा है, और अगला सवाल हम देने जा रहे हैं, ये आप लोग छाप लीजिए फटाफट। अगला सवाल आपके लिए, ये क्या कर रहा है? मिटाई सोचो जल्दी मिटाओ। चलो स्क्रीन नया ला रहा हूँ। सवाल है, सही बच्चे करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, और सवाल ये है कि फंक्शन है fx इक्वल टू ax माइनस बी 3x bx स्क्वायर माइनस a। तीन परिभाषा है फंक्शन की, कब कब है? जब x लेस देन इक्वल टू 1, अगर x 1 से 2 के बीच में है, और यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, प्रूव दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस। सर log cos x का डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ है? सर रिपीट कर दीजिए। ओहो, सुधांशु मैं यही बता दे रहा हूँ तुमको। हाँ तो थोड़ा सा इंटरप्शन लूंगा, सवाल भी रोक रहा हूँ बीच में। इस बच्चे ने पूछा सर अगर हम log cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? हम करें log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log में क्या है? x तो नहीं है, log में कुछ भी का 1/ में कुछ भी, log x का 1/x, log में कुछ भी का 1/ में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, बाद में इसको करते हैं डिफरेंशिएट। हाँ ये तरीका हमारा है, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, हम कह रहे हैं प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। इसके बाद एक चीज और, देन द लोकस ऑफ पॉइंट a कॉमा बी इज अ स्ट्रेट लाइन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वेयर इट कट्स, लोकस मतलब पाथ, इट कट्स द लाइन y इक्वल टू 3। आपको प्रूफ करना है ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, और आपको ये प्रूफ करना है जो उसका लोकस है इस फंक्शन का, जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाँ उस पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे वो ग्राफ अगर y इक्वल टू 3 को कट कर रहा होगा, इस पॉइंट को छोड़ दो बाकी हर जगह स्ट्रेट लाइन होगा। इतनी बातों को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाए और इस सवाल को प्रूफ करें फटाफट। ठीक है,
और आपका समय शुरू होता है अब। अभिनव कह रहा है सर बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, अभी कनेक्ट हुआ है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है? अच्छा बोल दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। सवाल है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू देन द लोकस ऑफ पॉइंट, आपको प्रूफ क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू वन और डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू एंड द लोकस ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी, जो ए कॉमा बी का जो लोकस है, ए कॉमा बी का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन है एक्सक्लूडिंग द पॉइंट, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वेयर इट कट्स, वेयर इट कट्स where it cuts the line y equal to 3, the line y equal to 3। चलिए गाड़ी की टिक टिक स्टार्ट है आपकी। अपना दिख रहा है आपको? हो जाए तो मैसेज करिएगा। अब दिख रहा है, अच्छी सेकंड और फिर मैं करूंगा। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है? नहीं सर। अच्छा ऐसा है क्या? उसके लिए स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। साहिल आ गया क्या? आइए साहिल, थोड़ा लेट में आएगा।
मैं बैच ऑन डिमांड 12th में डाल दीजिए, लिख दीजिए इसको सॉल्व करना। चलिए मैं करता हूँ, समय समाप्त होता है आपका। शिवांगी डन, वेरी गुड बेटा, शिवांगी का हो गया। बाकी कोई आज अनन्या है कि नहीं? अनन्या है तो बाकी बच्चे सुमित दो। चलिए देखिए, सवाल बड़ा आसान सा था। तो देखो ये है तो यार लीनियर फंक्शन, तो लिमिटिंग वैल्यू बस चेक कर लो फटाफट। हाँ तो x क्यूलू वन या वन से छोटे पे, फंक्शन क्या है आपका ax माइनस बी, फंक्शन है आपका a माइनस बी, कोई बात नहीं आएगा आएगा। तो f1 क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू वन प्लस, तो वन से बड़े पे वैल्यू क्या जाएगी 3x हो जाएगा, वन प्लस मतलब वन से बड़ा ना, तो फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x, ठीक है। आपको क्या आएगा 1 प्लस पे वैल्यू 3 जाएगी। तो a माइनस बी, वन से छोटे पे a माइनस बी क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं तब देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस, हम 1 पे चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। 1 माइनस मतलब, वन माइनस मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू वन माइनस मतलब फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर वाला, तो ए एक्स माइनस बी ये क्या जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ये आपको जाएगा नव्या डन, गुड बेटा, ये आपको जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो ए माइनस बी को बराबर थ्री कर देंगे, टू मेक फंक्शन कॉन्टिन्यूस ए माइनस बी बराबर थ्री कर देंगे, बस मैं रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी रखता टू मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूस ए माइनस बी बराबर हम थ्री कर देंगे, ठीक है भैया। अच्छा अब आते हैं क्या एक्स इक्वल टू टू पे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंड टू टू माइनस दो से छोटा, दो से छोटे के लिए फंक्शन का परिभाषा ये वाला है 3x, ये आपका जाएगा 3x, तो 3 टू जाए 6 आंसर आएगा। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू टू प्लस फंक्शन दो से बड़े पे, लिमिट एक्स टेंड टू टू प्लस दो से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 6 बी एक्स स्क्वायर माइनस है, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा बेटा, ठीक है। और जब ये बी एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, टू पे टू या फोर, फोर बी माइनस ए, फोर बी माइनस ए, ठीक है। तो ये फोर बी माइनस ए आ जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, अगर इसको बराबर सिक्स कर दें, देखो लिमिटिंग वैल्यू क्या आपकी एफ टू, वेट वेट सवाल क्या है, प्रूव दैट इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इक्वल टू है बट डिसकंटिन्यूअस इक्वल टू है देन द लोकल। ओहो सवाल सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो, सवाल को दोबारा पढ़ो, सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो भैया, प्रूव दैट के बाद इफ छूट गया, सवाल पूरा बदल गया, इफ छूट गया सवाल में, प्रूव दैट इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन बट डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू देन द लोकस ऑफ पॉइंट ए बी इज स्ट्रेट लाइन। आप ये प्रूव करिए यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वन पर और डिसकॉन्टिन्यूअस है टू पर, तब इस फंक्शन का जो लोकस होगा, तब इस ए और बी का जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमें ये मान के चलना है कि वन पे कॉन्टिन्यूअस है और टू पे डिसकॉन्टिन्यूअस है और हमको फिर उसका लोकस दिखाना। तो अगर बेटा टू पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब दिस शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 6, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 6। अगर ऐसा हो जाएगा तो आइए सॉल्व करते हैं,
अगर मान लो मान लेते हैं 6 बराबर 4b माइनस a या a बराबर नॉट इक्वल टू 6, यहां से a क्या आएगा 4b माइनस 6 मतलब नॉट इक्वल टू कर लो, इट मींस व्हाट, a शुड नॉट बी इक्वल टू 4b माइनस 6, अच्छा उठा के यहां पे रख दो a माइनस b इक्वल टू 3 में, यहां से क्या आएगा a बराबर 4b माइनस 6, मतलब a क्या नहीं होना चाहिए, a 4b माइनस 6 नहीं होना चाहिए, और रख के देखते हैं क्या होता है, रख के देखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी और बराबर 3 आ जाएगा, सॉल्व करोगे क्या आएगा, यहाँ पे आप आएगा 4b माइनस बी मतलब 3b, 3b बराबर 6 3 9 6 3 9, मतलब b बराबर 3, ठीक है, अगर a बराबर आप ये रख लोगे इसमें तो b बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर